दोस्तों, चिकन 65 एक परफेक्ट डिश है जो स्पाइसी भी है और बहुत स्वादिष्ट भी लगता है। रेड चिली पेस्ट और करी लीव्स का फ्लेवर कॉम्बिनेशन बनाता है इस डिश को बिल्कुल फेवरेट चिकन लवर्स के लिए। अगर आपको और ऐसी मजेदार रेसिपीज चाहिए हो तो प्लीज नीचे सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए। तो स्वागत है आपका शेफिंग विद AK में। सबसे पहले मैंने यहाँ 10 से 12 सूखी लाल मिर्च ली थी और उसे बॉईल कर दिया था जब तक ये ऐसे सॉफ्ट नहीं हो जाते। उसे ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया है। या हमें बिल्कुल स्मूथ प्यूरे नहीं बनाना है, इससे बस ऐसे पीसिएगा। ये देखिए, इसके सीड्स भी पूरी तरह ग्राइंड नहीं किए हैं मैंने। या मैंने 250 ग्राम बोनलेस चिकन थाई लिए हैं। आप यहाँ पे ब्रेस्ट का भी यूज कर सकते हो, लेकिन चिकन ब्रेस्ट सबसे लीन मसल होने के कारण बहुत इजीली ड्राई और चुई हो जाता है। थाई ज्यादा फ्लेवरफुल होता है ब्रेस्ट के कंपैरिजन में। इन्हें मैंने धोकर एक टिश्यू के ऊपर रख दिया है। अभी इन्हें एक बोल में डाल के मैरिनेट करना शुरू कर लेंगे। यहाँ पर 30 ग्राम मैदा और 30 ग्राम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे। यहाँ मैंने एक थिक कोटिंग बनाई है, अगर आपको थिन कोटिंग चाहिए तो ये क्वांटिटी आधी कर लीजिएगा। 2 बड़ी चम्मच रेड चिली पेस्ट डाल दिया है। यहाँ मैंने करी लीव्स को पैन में टोस्ट कर लिया है जब तक वो ड्राई नहीं हो जाते, और इसे ऐसे पाउडर करके डाल देंगे। चिकन 65 में करी लीव्स का अच्छा फ्लेवर होना चाहिए और ये हर एक चिकन पीस के अंदर तक इस फ्लेवर को प्रोवाइड करने में मदद करेगा, तो ये स्टेप जरूर कीजिएगा। 1 बड़ी चम्मच जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे और यहाँ मैंने 2 बड़ी चम्मच जितना हंग कट डाल दिया है। यहाँ पर हंग कट का ही यूज कीजिएगा, तभी ये मसाला अच्छी तरह से चिकन पर कोट होगा। मैंने दही लिया था और उसे टांग दिया था लगभग आधे घंटे के लिए फ्रिज में। और ये मैंने आधा अंडा डाल दिया है। आधी छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर डाला है। स्वाद अनुसार नमक डाल दिया है और अब इसे एकदम अच्छे से मिला लेंगे। या आपको इसे हाथ से ही मिलाना पड़ेगा, अगर चम्मच का यूज करोगे तो मेस भी होगा और अच्छी तरह से मिलाने में बहुत मुश्किल होगी। या मुझे सूखी लाल मिर्च का पेस्ट कम लग रहा था तो मैंने 1 बड़ी चम्मच डाल दी है। इसे मिलाएंगे और यहाँ मैंने 1 बड़ी चम्मच जितना और अंडा डाल दिया है। इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और आपका ये मैरिनेटेड चिकन बिल्कुल तैयार है। इसे आप फ्रिज में डाल देंगे मैरिनेट होने मिनिमम 4 घंटे के लिए। आप यहाँ ओवरनाइट रखोगे तो और भी बेटर रिजल्ट आएगा, लेकिन 4 घंटा भी काफी है। या मैंने तेल ले लिया है चिकन को फ्राई करने। याद रखिएगा, चिकन को फ्रिज से निकाल के डायरेक्ट फ्राई नहीं करना है हमें। इसे बाहर निकाल कर रूम टेम्परेचर तक आने दीजिए और फिर फ्राई कीजिएगा, वरना ये अंदर तक नहीं पकेगा। इसे हम डबल फ्राई करेंगे, तो बस ये जब इस कलर का हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। बाकी के चिकन को भी ऐसे ही फ्राई कर लेंगे 80% को खोने जितना। यहाँ चिकन 65 का मसाला बनाने के लिए हमें चाहिए सरसों का तेल या मस्टर्ड ऑयल। आप रेगुलर ऑयल भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये मस्टर्ड ऑयल बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है पूरे डिश को। थोड़ा कटा हुआ धनिया लेंगे और 10 से 12 कड़ी पत्ता लेंगे। 1 बड़े प्याज को स्लाइस कर लिया है और आधा कैप्सिकम लिया है। यहाँ 10 से 12 लहसुन और 2 इंच अदरक को फाइन चॉप किया है और 3 हरी मिर्च ली है। और यहाँ मैंने टैमरिंड का पेस्ट बनाया है। इसके लिए बस इमली को पानी के अंदर बॉईल करके उसका पल्प निकाल लिया है। ये जो हमने रेड चिली पेस्ट बनाया था वो लिया है, और ये धनिए के दाने को अच्छे से रोस्ट कर लिया है मैंने। तो चलिए, एक पैन ले गए अब, और यहाँ मैंने 3 बड़ी चम्मच जितना मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है। यहाँ हमें हाई फ्लेम पर रख के इस मस्टर्ड ऑयल को जलाना है। ये बहुत जरूरी स्टेप है, क्योंकि ये मस्टर्ड ऑयल बहुत पंजेंट होता है। इसे अगर डायरेक्टली यूज करोगे आप तो और किसी का फ्लेवर नहीं आएगा आपको, इसीलिए इसे हाई फ्लेम पर रखेंगे जब तक इसमें ऐसे धुआं नहीं निकलता, और फिर गैस को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। जब ये थोड़ा ठंडा हो जाए तभी गैस को फिर से चालू करेंगे। और यहाँ मैंने अदरक डाल दिया है, लहसुन डाल देंगे। इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कच्चा फ्लेवर नहीं चले जाता। और यहाँ 1 बड़ी चम्मच भर के रेड चिली पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से हाई फ्लेम पर पकाएंगे 2-3 मिनट के लिए, और अब स्लाइस्ड प्याज डाल देंगे। इसे अच्छे से फ्राई करेंगे और कैप्सिकम डाल देंगे। इसे भी अच्छे से टॉस करेंगे। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे, हरी मिर्च डाल देंगे, बहुत थोड़ी हल्दी डालेंगे, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1/4 चौथाई चम्मच लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। इसे बस 30 से 40 सेकंड तक फ्राई करेंगे, और जो टैमरिंड पेस्ट बनाया था वो 2 छोटी चम्मच डाल देंगे। इसे थोड़ा पकाएंगे। अभी मैंने 1/4 छोटी चम्मच भुना हुआ जीरा पाउडर, थोड़ा सा होममेड गरम मसाला पाउडर और थोड़ी चीनी इसे बैलेंस करने के लिए डाल दी है, और स्वाद अनुसार नमक और डाल देंगे। अभी गैस को बंद कर देंगे और यहाँ पर इस चिकन को और एक बार फ्राई कर लेंगे और निकाल लेंगे। और ये इस मसाले को फिर से गैस पर चढ़ा के
ये सारे चिकन इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ इसका मेन इंग्रेडिएंट काफ़ी सारा कड़ी पत्ता। इसे बस उतना टॉस करेंगे जब तक ये कड़ी पत्ता में से अच्छी खुशबू नहीं आती, और इसमें कटा हुआ धनिया डाल देंगे। इसे मिलाएंगे और आखिर में जो धनिया के दाने भून के रखे थे उसे थोड़ा क्रश करके इसमें डाल देंगे। और ये आपका बिल्कुल स्वादिष्ट चिकन 65 तैयार है। तो बनाइए इसे और मज़ा लीजिए। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल शेफिंग विद एके को।